हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि रतौन वृत्ति की यानी कि मोनोफेस की स्थिति ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है और ऐसी स्थिति में उनकी डेट्स यानी कि पीरियड्स या फिर हिंदी में कहा जाए तो मासिक धर्म काफी ज्यादा चूक जाते हैं या फिर अगर आम भाषा में कहा जाए तो एक महीने के लिए उनकी डेट्स नहीं आती हैं। लेकिन अगर यही समस्या पुरुषों की बन जाए तो दोस्तों, वैसे तो पुरुषों में भी रतौन वृत्ति पाई जाती है। हालांकि पुरुषों को महिलाओं की तरह डेट्स मिस होने का कोई भी खतरा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उन्हें ये खतरा नहीं होता है इसीलिए उनके शरीर में कई और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए आज जानते हैं उन्हीं सिम्टम्स के बारे में और उस अवधि के बारे में जिसके अंतर्गत पुरुष को रतौन वृत्ति की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर पुरुष रतौन वृत्ति की समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित है तो यकीनन उसके अंदर काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा, किसी काम को करने में उनका मन नहीं लगता होगा। इसी के साथ साथ बार बार तनाव में रहना या फिर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, ये सारी चीजें पुरुषों की रतौन वृत्ति में ही शामिल होती हैं। हालांकि इसकी कोई डिसाइडेड अवधि नहीं है क्योंकि कई बार ये हमारी शारीरिक कमजोरी की वजह से होता है तो कई बार सही तरीके से सेक्स ना करने की वजह से होता है और इसीलिए इस चीज की कोई भी अवधि डिसाइडेड नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए मेनोपॉज की अवधि डिसाइडेड होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो तनाव से बाहर आने के लिए योगासन करिए और अपनी सेहत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।